अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफान, जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं मलाई मटन सिजलर्स। आप इसे मलाई मटन सिजलर कहिए, आप इसे नवाबी बोटी सिजलर कहिए, आप इसे मटन सिजलर कहिए, जो कहना है कहिए, बट बहुत ही मज़ेदार, अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इन्ग्रीडियंट से। चलिए बनाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है आधा किलो गोश्त, चर्बी निकाली हुई है, धोया हुआ है, और मैंने थोड़े बड़े पीसेस रखे, आप चाहें तो मीडियम पीसेस भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया 3/4 कप पानी, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक। अब इसे मिक्स कर लीजिए, कुकर का ढक्कन लगाकर 1-2 सीटी फास्ट आंच पर लगा लीजिए। जब 1-2 सीटी फास्ट आंच पर हो जाए तो स्लो आंच करके 15 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। जब 15 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। चलिए, जब अच्छा कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए। ये देखिए, मटन मैंने चेक कर लिया, परफेक्टली गल चुका है। हमें 95% से 98% तक मटन गलाना है, वो हो चुका है, और आप देख सकते हैं मेरे यहाँ तो पानी सूख चुका है। अगर आपका पानी इसके अंदर हो इस समय तो आप इसे फास्ट आंच करके सुखा लीजिए और कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसे एक प्याले में डाल दीजिए, आधा छोटे छोटा चम्मच सिरका डाल दीजिए, चुटकी भर नमक डाल दीजिए और 4 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च डाल दीजिए। 3 हरी मिर्चियों को मैंने कूट कर रखा था, ये भी मैं डाल देती हूँ सारों को। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं बिना पानी के। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाली और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ ये है कि आपको लगेगा कि ये थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है, कोई बात नहीं, आगे मैं इसका आपको स्टेप बताती हूँ। अभी फिलहाल ये डालकर मैरिनेट होने रहने दीजिए। अब एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और मैं थोड़ा मक्खन भी डाल देती हूँ, 1 टेबलस्पून जितना। और यहाँ पर मैं एक जो शिमला मिर्च है इसे मोटा मोटा काटी हूँ और इसे डालकर फास्ट आंच पर, समझिए ना, 10-20 सेकेंड इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कर दीजिए। तब 10-20 सेकेंड हो जाए तो इन्हें नितार कर निकाल लीजिए एक प्लेट में और साइड पर रख दीजिए। ये हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी कलर भी इसका रिटेन रहेगा और थोड़ी सी फ्राई होगी तो मज़ा आएगा, हल्का कच्ची पक्की भी रहेगी तो मज़ा आएगा खाने के अंदर, क्रिस्पी क्रिस्पी लगेगी तो, और कलर मेंटेन रहेगा। चलिए, अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। वही कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा और चाहें तो तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। अच्छा गर्म हो जाए तो यहाँ पर 2 छोटी चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल सकते हैं या फिर बारीक कूटा हुआ लहसुन डाल सकते हैं। मैं यहाँ बारीक कूटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ और इसे बार बार चलाते हुए मीडियम आँच पर 1.5 मिनट तक फ्राई कीजिए। मेरी पतीली है ना, बहुत जल्दी नीचे चिटक जाती है, लग जाती है चीज़ें, तो मैंने स्लो रखा है क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। चलिए, 1.5 मिनट हो चुका है तो अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3/4 कप मलाई। नॉर्मल जो बाजार की मिलती है ना मलाई, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घर की मलाई ले रहे हो तो उसे पहले तो मिक्सर जार के अंदर डालकर पहले फेंट लीजिएगा अच्छे से, बिना दूध डाले, और फिर लीजिएगा। चलिए, 3/4 कप सारी मलाई मैंने डाल दी, इसे एक बार चला लीजिए और इसमें डाल दीजिए नमक, चुटकी भर ही डालिएगा, ज़्यादा अभी फिलहाल मत डालिएगा, एंड में एडजस्ट करेंगे। और 3/4 छोटे चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर, आप चाहे तो 1/2 छोटे चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं काली मिर्चों का पाउडर। हाँ, इसे मिक्स कर लीजिए, चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए। जब अच्छा मिक्स हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 7 टेबलस्पून भरकर मायोनीज, वो डाल दीजिए और मीडियम आंच पर उसे भी चलाते हुए मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करना है, कोई गुठलियाँ ना रहे और अच्छे से मेल्ट हो जाए वो, बस। जब अच्छे से वो मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/2 कप पानी और इसे मीडियम आंच पर उबाल आ जाने दीजिए। अच्छा उबाल आ जाए, 1.5 मिनट में तो अच्छा उबाल आ जाएगा। जब अच्छा उबाल आ जाए तो इसके अंदर डाल दीजिए 1/4 कप ग्रेटेड चीज़, आप चाहें तो चीज़ ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं 1/4 डाल रही हूँ। इसे कंटिन्यूस मिक्स करते हुए पका लीजिए, तब तक पकाएं जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। जब अच्छी चीज़ मेल्ट हो जाए चूल्हा कर दीजिए स्लो आँच और 2-3 मिनट इसे स्लो आँच पर थोड़ा सा खोलने दीजिए, थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा, आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का उबाल आएगा और अच्छा खासा उबाल आएगा। 2-3 मिनट में जब इसका उबाल आ जाए तो इसको चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे मैं अभी साइड पर रख देती हूँ। अब पहले हम जो मटन है उसके पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए। अब जो हमने मटन को मिक्सचर को मैरिनेट करके रखा था
अब यहाँ पर ये है कि आपको पानी डालने की जरूरत ना लगे तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। मैं क्यों डाल रही हूँ पता है, क्योंकि मैंने अगले दिन इसे बॉईल किया था और फ्रिज में रहने दिया था, तो इसका जो मॉइस्चर है वो सारा उड़ गया है। अगर आप उसी दिन बॉईल कर रहे हैं और उसी दिन के अंदर आप बना रहे हैं तो इसमें आपकी जो मटन पीसेज है इसमें थोड़ा बहुत लगा हुआ रहेगा पानी, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने डाला हुआ है तो उस हिसाब से ये जो आप जब कॉर्नफ्लावर डालते हो तो अच्छा मिक्स हो जाएगा, तो तब आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्ज करो लगे तो मेरी तरह एक या दो टेबलस्पून डालकर ऐसा कीजिए कि बस चिटक जाए, बस उसके ऊपर, अब हमारे पीसेस के ऊपर एकदम पानी टाइप ना हो। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कितनी थिक थिक बैटर टाइप लग रहा है ना। चलिए, अच्छा गरम हो गया तेल, तो मैंने चूल्हा मीडियम आंच कर लिया और ये एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के मैं पीसेस डाल रही हूँ। फ्यू एट ए टाइम डालिए, उलट पलट करते हुए हल्के से, समझिए ना, मीडियम आंच पर 3-4 मिनट तक पकने दीजिए। जो जो 5% जो हमने छोड़ा है ये इस समय पक जाएगा और ज़्यादा इसमें कोई कलर नहीं आएगा, इसमें हल्का वाइटिश कलर ही आएगा। सो बस 4-5 मिनट हो जाए तो उलट पलट करते हुए इन्हें निकाल लीजिए, छान कर साइड पर रख दीजिए, छन्नी के ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर मत डालिएगा नहीं तो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे के भी बैचेस के अंदर सारे फ्राई कर लीजिए। कॉर्नफ्लावर के बाद हम पानी लेटर इसके लिए डाल रहे हैं कि पहले आप देख लीजिए मैरिनेट करके रख के कि पानी अगर छूट रहा है उसमें तो उसी में ही बाद में कॉर्नफ्लावर मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है बस ऑन दैट नोट आपने 2 टेबलस्पून जितना ही पानी डालना और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए, ये देखिए हमारी ग्रेवी बन चुकी है। 2-4 मिनट पहले मैंने सिजलर की प्लेट को गर्म पर रख दिया था फास्ट आंच पर, और ये हमारे पकौड़े क्रिस्पी वाले। अब यहाँ पर फिर से मैं ये जो ग्रेवी की पतीली है इसे फास्ट आंच पर मैंने चालू किया। ये हमारे पकौड़े हैं साइड पर रखे हुए हैं, और इसे मीडियम आंच करके इसे उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाता है, एकदम अच्छा उबाल आ जाता है, अच्छा गर्म हो जाता है, तो ये जो हमारे पकौड़े हैं ये सारे डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। ये जो हमने शिमला मिर्च फ्राई करके रखी थी वो डाल दीजिए। इसे चूल्हा मीडियम रखिए और इसे 1-2 मिनट टॉस होने दीजिए। उसी के दरमियान मैं यहाँ पर ना 1 टेबलस्पून मक्खन भी डाल देती हूँ, और उसके साथ जब 1-2 मिनट हो जाए तो इसको हटाकर यहाँ पर सिजलर की प्लेट रख देती हूँ, क्योंकि मैं उसमें सर्व करने वाली हूँ। लेकिन आप अगर उसमें सर्व नहीं कर रहे हैं तो इसी समय आप प्याले में निकाल लीजिए या कोई सर्विंग डिश में निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म वाली सिजलिंग प्लेट फिर से यहाँ चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दिया है। थोड़ा सा तेल डालकर इसे चारों ओर फैला दीजिए, और आप चाहें तो बारीक कटी हुई कैबेज डाल दीजिए नीचे, काट कर डालें, साबुत एक अक्खी अक्खी साबुत डालें, या फिर मेरी तरह पीसेस करके डालें मोटे मोटे, जैसे आपकी मर्जी। मैं यहाँ थोड़ा सा मक्खन भी डाली हूँ आपने देखा, और थोड़ा सा यहाँ चूल्हा मीडियम आंच किया है, और थोड़ा सा वो जो तेल जिसमें मैंने फ्राई किया था ना वो भी डाले जा रही हूँ, और थोड़ा मक्खन भी डाल रही हूँ। और जब आधा मिनट हो जाता है और मैं सारा तेल डाल दी हूँ थोड़ा बहुत, तो अब यहाँ पर डाल देती हूँ मैं जो नवाबी बोटी मटन की बना के रखी है, बढ़िया सी मज़ेदार सी मलाई नवाबी बोटी कहिए या मलाई मटन कहिए सिजलर, इसकी बोटियाँ मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ सारा ग्रेवी के साथ। और बस इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने प्रेजेंटेशन के लिए ना साइड पर रख दी थी हाँ शिमला मिर्च, वो इसके ऊपर डालती जा रही हूँ मैं। आप चाहें तो चम्मच से डालें, मैं तो हाथ से डाल रही हूँ। और आप थोड़ी सी खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दें इसके ऊपर, तो ये देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार और बढ़िया सा और डिलिशियस बना है हमारा मटन नवाबी बोटी सिजलर, मज़ेदार है। आप एंड में है ना थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिएगा चारों ओर, ये देखिए क्या मज़ेदार बना है। आप सिजलिंग प्लेट के ऊपर डालिए, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी खुरची हुई चीज़ डालें और सर्व कीजिए गर्मा गर्म। इस रेसिपी में हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिएगा। अच्छा, मैंने पहले ग्रेवी बनाई और फिर फ्राई किया मटन के पीसेस को। आप चाहें तो पहले फ्राई कर ले मटन के पीसेस को, फिर ग्रेवी बना के हाथों हाथ मटन के पीसेस उसमें डाल दीजिएगा और फिर चूल्हा बंद कीजिएगा। तो चलिए, बन चुकी है हमारी बढ़िया सी मज़ेदार, बहुत ही डिलिशियस है ये रेसिपी, मलाई मटन सिजलर्स या नवाबी बोटी सिजलर्स भी कह सकते हैं आप इसे। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की, मज़ा आया ना देख के, मुझे खा के भी बड़ा मज़ा आया। आप भी बनाओगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार मज़ेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।